यह छोटा पैक बड़ा धमाका कॉम्पैक्ट पावरफुल इवन अल्ट्रा एचडी में गेमिंग कर सकते हो मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन में से एक फ्लिप समझ ही गए होंगे गैलेक्सी जी फ्लिप 4 फ्लैगशिप कैमरा तुम देख के लग रही ना ये फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चलो टेस्ट करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू काफी महंगा केक है ओहो ब्लैक 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 इज माय फेवरेट ये है सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस वाओ हाथ पे फोन आ गया ओके ये भी है फोन की जन्म कुंडली सिम इजेक्टर ये टाइप सी केबल ये है गैलेक्सी जी फ्लिप 4 काफी कॉम्पैक्ट है इसका फॉर्म फैक्टर मुझे काफी अच्छा लगा काफी कॉम्पैक्ट भी है Oh, 186 ग्राम अगर आप इसके हिंज को देखोगे इस बार सैमसंग ने इसे इम्प्रूव कर दिया है ये अब सिर्फ 1.2 मिलीमीटर है इसके बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन है आर्मर एल्युमिनियम है कुछ नहीं हुआ थोड़ा हार्ड भी करते देखो तो कोई स्क्रैच नहीं आया मजबूती है बिल्ड क्वालिटी ये 1.9 इंच का कवर स्क्रीन है काफी ब्यूटीफुल लग रहा है और स्मूथ भी है कवर स्क्रीन पर आप सारे मैसेजेस नोटिफिकेशन इजीली एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे विजेट्स भी ऐड कर सकते हो अपने फेवरेट और जब आप इसे ऐसे ओपन करते हो तो ये 6.7 इंच का हो जाता है ये एक डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में इस बार बेजल्स थोड़े से कम किए गए हैं हॉरिजॉन्टली 0.3 mm और वर्टिकली 0.8 mm क्रीज को देखोगे स्टिल ये थोड़ा सा विजिबल है क्रीज मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सा इंप्रूव है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डिस्प्ले का काफी बढ़िया है देखो क्योंकि सैमसंग ने यहाँ पर अल्ट्रा थिन ग्लास यूज किया है काफी मस्त कलर मिलते हैं डीप ब्लैक पंची कलर्स डिस्प्ले भी काफी ब्राइट है देखो 1200 nits इसकी पीक ब्राइटनेस है काफी ब्राइट डिस्प्ले है देख ही सकते हो ऐसे देखना चाहते हो ऐसे करके ऐसे भी देख सकते हो सेटिंग्स पे गए मोशन स्मूथनेस स्टैंडर्ड और 120 हर्ट्ज है ये 120 हर्ट्ज से 1 हर्ट्ज तक चला जाता है स्मूथ डिस्प्ले ओहो फ्लिप 4 में 3700 mAh की बैटरी है प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करोगे डेफिनेटली बैटरी इस बार थोड़ी सी बड़ी है मतलब आपको थोड़ी सी ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी और ये 25 वॉट चार्जर के साथ आता है जो करीब 50% 30 मिनट्स में चार्ज कर देता है ये देखो ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है गैलेक्सी बर्ड्स 2 प्रो यूज करते हो ऐसे ऊपर रख दो और इजिली आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो ये नीचे की साइड माइक्रोफोन है टाइप सी और ये स्पीकर है राइट हैंड साइड में ये वॉल्यूम बटन और ये ऊपर की साइड नॉइस कैंसिलेशन लेफ्ट हैंड साइड में सिम स्लॉट पीछे साइड दो कैमरा है 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल वाइड और फ्रंट में ये 10 मेगापिक्सल का है सैमसंग का इसमें फ्लैगशिप कैमरा है अब भी पता चलेगा टेस्ट करने पे चलो एक पहले ये फोटो लेते हैं ओके ये नॉर्मल अब इनकी फोटो लेते हैं थोड़ा सा दूर रखते हैं कैमरे से थोड़ा सा जूम करके 5x 10x ओहो 10x की क्वालिटी देखो ये 3x फोटोज काफी नेचुरल रखे हैं ऐसा ओवर सैचुरेटेड नहीं किया है ये देखो ये मेरी फोटो है और यहाँ पर अगर आप देखते हो स्किन टोन देखो काफी नेचुरल रखा है डिटेल्स भी बहुत ही अच्छी है जो कलर्स है वो क्लोज टू नेचुरल रखा है ओहो भाई साहब ओहो तो देख के लग रही ना ये लो लाइट में फोटोज क्लिक की गई देखो कितनी ब्राइट फोटोज आई है मानना पड़ेगा यार लो लाइट में ये काफी ब्राइट फोटोज क्लिक करता है इसके कैमरे में आपको OIS प्लस VDIS भी मिलता है फ्लिप 3 में VDIS नहीं था बट फ्लिप 4 में OIS के साथ VDIS भी दिया गया है तो आप 4K 60fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं EIS है देखो 4K 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो फोकस चेक करते हैं वैसे तो देखो वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी है ओहो क्वालिटी काफी अच्छी है फोकस काफी अच्छे से कर लेता है देखो फास्ट है फोकस ओके सैमसंग की फ्लिप सीरीज की मुझे एक चीज काफी अच्छी लगती है प्रैक्टिकल लाइफ में काफी यूजफुल है जैसे कि देखो फ्लेक्स मोड कैमरा ओपन करो ऐसे करो और यहाँ पे रख दो और देखो हैंड्स फ्री आप फोटोज क्लिक कर सकते हो डिटेल्स काफी अच्छी है ओहो देखो सेल्फीज भी काफी अच्छे आते हैं स्किन टोन काफी अच्छा दे रखा है अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो अब बोल सकते हो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरली आप इस तरह से व्लॉगिंग कर सकते हो देखो कितना कूल लगता है ये और अगर आप शॉर्ट्स रील्स बनाते हो ऐसे रख के लिटरली आप खुद बना सकते हो तेरी काली काली दो अखियां नहीं होगा कवर स्क्रीन से फोटोज भी क्लिक कर सकते हो हाई क्वालिटी ये देखो क्या मस्त क्वालिटी है ये देखो हो मैं इस फोन को छोटा पैक बड़ा धमाका कहूंगा क्योंकि साइज में कॉम्पैक्ट है बट इसमें स्नैपड्रैगन का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर दे रखा है 4 nm वाला प्रोसेसर एंड्रॉइड स्कोर देखो 882,000 प्लस स्कोर आया है और ये स्कोर बहुत ही तगड़ा है ये देखो सीपीयू जो स्कोर है वो 217,000 प्लस है जीपीयू स्कोर 358,000 प्लस है आओ करते हैं आप पिरो गेमिंग बीजीएमआई ग्राफिक्स देखते हैं ओके ये देखो आप स्मूथ बैलेंस एचडी एचडीआर इवन अल्ट्रा एचडी पे गेमिंग कर सकते हो अल्ट्रा एचडी और अल्ट्रा पे क्या बात है स्मूथ पे एक्सट्रीम का ऑप्शन भी है ओहो ग्राफिक्स देखो अल्ट्रा एचडी पे इवन ऐसे करके खेलो ओहो फोन हाथ पे से गेम खेलते तो काफी लंबा फोन लग रहा है ये देखो ओ अरे चचा हमसे भिड़ोगे हमसे लड़ोगे यार जानते हैं हम कौन है अरे ऑल इज वेल ग्राफिक्स तो देखो यार बहुत तगड़े हैं स्मूथ है
और अल्ट्रा एच डी में तो मत पूछो क्या मस्त ग्राफिक्स आ रहे हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस तो मस्त चल रहा है मक्खन की तरह, ऐसा कोई लैग फ्रेम ड्रॉप नहीं है, स्मूथ गेम प्ले है। अरे गेम प्ले पे मत जाना, आज दिन खराब था। एक बार मल्टीटास्किंग चेक करते हैं, ये फास्ट है, फास्ट है, फास्ट है, कैमरा फास्ट है, फ्री फास्ट है, क्लॉक फास्ट है। 8GB रैम और 128GB से स्टार्ट है और मल्टीटास्किंग काफी अच्छी है, LPDDR5 है, मल्टीटास्किंग स्मूथ है। सैमसंग का वन UI 4.1.1 है, ये एंड्रॉइड 12 पे भी। ओके ये हम डालते हैं इसको पानी में, चल गया खत्म, टाटा बाय बाय। ओह चल रहा है, फोन को अच्छे से धो देते हैं हम। ओके अब देखते हैं, ओ परफेक्टली काम कर रहा है, ये देखो क्या बात है, नो इशू, परफेक्टली वर्क कर रहा है, IPX8 रेटिंग। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 89999 है, यस एक प्रीमियम प्राइस जरूर है, बट फीचर्स भी काफी यूनिक है। ओवरऑल फोन को जितना भी टेस्ट किया मैं कहूंगा मुझे ये फोन काफी कॉम्पैक्ट लगा, सबसे बड़ी बात काफी पावरफुल है, और इसका जो कैमरा है काफी तगड़ा लगा, जैसे फ्लेक्स मोड, व्लॉगिंग के लिए, लो लाइट फोटोग्राफी, अगर आप फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, शॉर्ट्स रील्स बनाते हो, स्पेशली गर्ल्स जो शॉर्ट्स रील्स बनाते हैं, लोगों के लिए काफी यूजफुल फोन हो सकता है। इसका डिस्प्ले काफी बढ़िया है, एक्सट्रीम लेवल पे आप गेमिंग कर सकते हो, बैटरी बढ़ा दी गई है, बेजल्स कम कर दिए गए हैं, जो हिंज है उसे बेटर कर दिया गया है, डेफिनेटली एक प्रीमियम फोन है सैमसंग का ही, और वो प्रीमियम एक्सपीरियंस इस फोन में जरूर मिलता है। ऐसे आपको कैसा लगा ये फ्लिप फोन कमेंट में बताओ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।